Hello viewers, my name is Sudesh Gupta from Sathi Groups, the perfect home finder. Viewers, मैं आज आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ दहीसर लोकेशन में. एंड बहुत दिनों के बाद दहीसर लोकेशन में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो देखने लायक है. 1 and 2 BHK के फ्लैट हैं. आज हम लोग सैम्पल फ्लैट देखेंगे, फ्लैट टूर करेंगे पूरा, वाटर कनेक्शन की बात करेंगे, किस तरह का वाटर कनेक्शन है, प्राइसिंग की बात करेंगे, किस तरह प्राइस में आप इस फ्लैट को खरीद सकते हैं और ये वर्थ है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे. जब आप बिल्डिंग की एलिवेशन की करते हैं तो स्टैंड अलोन टावर आपको देखने को मिलेगा. एमिनिटीज इसमें आपको सारी मिल जाती है. 23 स्टोरी का टावर है एंड बहुत ही शानदार ढंग से इसे डिज़ाइन किया गया है. मार्बल फिनिशिंग आपको बड़ी अच्छी मिलेगी पूरे फ्लैट में. एंड जब आप एंटर करते हैं अपने लॉबी से तो आपको 2 लिफ्ट देखने को मिलेगी आपके लॉबी एरिया में. एंड एलिवेशन की बात करें तो 1 BHK के आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे एंड 2 BHK के आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे. ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग के फ्लैट्स हैं तो वास्तु वाइज आपको परफेक्ट ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं. जब आप अपने फ्लोर पे खड़े होते हो, फ्लोर प्लान में आपको 2 लिफ्ट देखने को मिलती है. As usual, you can see that. And आपके फ्लैट के सामने आप जब खड़े होते हैं, this is your 1 BHK sample flat. 2 BHK के लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है. एंट्रेंस पे आपको ब्रास फिटिंग की डोर देखने को मिलेगी. आपका हॉल में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. सबसे पहले बात करें आपके एंट्रेंस की, तो एंट्रेंस में आपको जो ये डोर देखने को मिल रही है, इसकी थिकनेस का अंदाज़ा आप पर्सनली लगा सकते हैं. अच्छी खासी क्वालिटी में मिल जाती है, ब्रास फिटिंग की डोर है. एंड उसके बाद आपका सबसे पहली चीज़ आती है आपके लिविंग रूम में, वो आता है आपका डाइनिंग एरिया. डाइनिंग एरिया में आपको 4 to 6 सीटर के लिए जगह मिल जाती है. आप 4 to 6 सीटर तक का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं आराम से, स्पेस का इश्यूज नहीं आएगा. एंड फिर उसके बाद आपका पैसेज एरिया आपको देखने को मिलेगा. एंड फिर टीवी यूनिट के लिए जगह देखने को मिलती है. एंड यू कैन प्लान अ सिटिंग एरिया इन फ्रंट ऑफ दैट. सिटिंग एरिया में आप एल शेप में सोफ़ा प्रेफर कर सकते हैं. नॉर्मली आज के डेट में जो घर बनते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पेस यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो एक एल शेप में सोफ़ा जो रहता है वो परफेक्ट रहता है आजकल के होम के लिए. एंड इवन आपको फुल साइज़ में विंडो देखने को मिलेगी आपके लिविंग रूम में. जब आप अपने पैसे से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको बाथरूम एंड टॉयलेट देखने को मिलेगा सबसे पहले. एंड बाथरूम एंड टॉयलेट में आपको ग्रेनाइट की फिटिंग मिल जाती है. पूरे फ्लोरिंग जो रहेगी नॉन स्लीपरी टाइल्स मिल जाती है. 3 सेक्शन में बाथरूम एंड टॉयलेट डिवाइडेड है. आपका शार सेक्शन आ जाता है, आपका वॉश बेसिन सेक्शन आ जाता है और आपका कमोड सेक्शन आ जाता है. फिटिंग फिक्चर्स, सैनिटरी वेयर, ये सारे आपको ब्रांडेड क्वालिटी के मिल जाते हैं आपके बाथरूम एंड टॉयलेट में. किचन की बात करते हैं तो किचन बड़ा ही स्पेशियस हो जाता है. 2 ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म, 1 स्टेनलेस स्टील सिंक, फ्रिज के लिए जगह मिल जाती है, वॉशिंग मशीन के लिए जगह मिल जाती है. एंड एक फुल साइज़ में विंडो देखने को मिलती है. कुछ इस तरह से विंडो आपको देखने को मिलेगी फॉर अ वेंटिलेशन पर्पस, ताकि किचन का वेंटिलेशन बना रहा है. एंड यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील सिंक देखने को मिल रही है. कुछ इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलेगी. ये जो मॉड्यूलर वर्क है ये आपको देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ये अनफर्निश्ड फ्लैट है. अगर आप मॉड्यूलर वर्क करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, अदरवाइज आप नेगोशिएशन में बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से ऑप्शन दिए जा रहे हैं. और पैसेज एरिया के सबसे अंत में आपको मास्टर बेडरूम देखने को मिलेगा, जिसका मास्टर बाथरूम सबसे पहले देखने को मिलता है. सेम क्वालिटी फिटिंग फिक्चर्स और साइज़ के साथ में आपको देखने को मिलता है. और मार्बल वर्क इनका बड़ा अच्छा है, आपको आई कैचिंग मार्बल वर्क देखने को मिलेगा. जब आप अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं तो आपको कबर्ड के लिए अलग से स्पेस देखने को मिलती है, जहाँ पर आप अपना कबर्ड सेट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. एंड बीच में आपका किंग साइज बेड या फिर क्वीन साइज बेड आप लगा सकते हैं. स्पेस इश्यूज नहीं आएंगे. और आपको आपके बेडरूम में बेड के बाजू में ड्रेसिंग टेबल के लिए जगह मिल जाती है. फुल साइज में विंडो देखने को मिलेगी एंड टीवी यूनिट के लिए जगह देखने को मिलती है. सो दोस्तों, ये था आपका 1 BHK फ्लैट. लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग. कैसा है इसका प्राइस? इनके पास कारपेट एरिया में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. 422, 424, 474, ये 3 कारपेट एरिया के ऑप्शंस हैं 1 BHK में. और इनका जो प्राइस स्टार्ट होता है 76 लाख से शुरू होता है इनका प्राइस, डिपेंडिंग अपॉन दी सिलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन एंड सिलेक्टेड फ्लोर. गुरुद्वार का एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छे लोकेशन पर मिल जाती है. वाटर कनेक्शन की बात करें तो 24/7 वाटर आपको देखने को मिलता है. बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है. अगर आप इसे पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.